स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यू मुंबा और बंगाल वॉरियर इससे पहले 10 मरतबा एक दूसरे से खेले हैं, 9 बार यू मुंबा जीते हैं, बंगाल को सिर्फ एक ही जीत मिली। मनिंदर सही समय फॉर्म पर आए हैं, पहली रेड में सुरेंद्र सिंह का शिकार किया मनिंदर ने। बलदेव सिंह बाजी छा गए, दूसरा बैक होल्ड, ये तो पहले वाले से भी कमाल था। दो कमाल के बैक होल्ड किए हैं, रण सिंह उधर से आए, बलदेव सिंह पीछे से गजब का टैकल। बंगाल का डिफेंस कहर पर पा रहा है यू मुंबा के रेडर्स पर। अंडरडॉग एक किस्म, एक तरह से अंडरडॉग जहां अपर हैंड लेता है, बिल्कुल काफी नॉर्मल है वो चीज। और मेरे हिसाब से कि अंडरडॉग को इतना प्रेशर नहीं है, वेरल्स जो यू मुंबा है उन्होंने पूरा सीजन इतना अच्छा खेला है, और उसमें भी मतलब तेजी जो हमारी स्पीड है काफ़ी हाई रहती है उसमें, तो वो सिमिलैरिटी आ जाती है। और बाकी स्ट्रैटेजीज तो हर एक गेम में चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि इस गेम में चाहिए, हर एक गेम में स्ट्रैटेजी चाहिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए। हाय 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 हाय। अच्छा, आपने ये मूंछ कभी नहीं उतारी, कितने साल से रखी है? जब से होश संभाला तब से मूंछे आई हैं। राव की भी बात कर ली, हाई फाइव की बात कर ली, हाई फाइव, ये सिद्धार्थ के साथ, ये बड़ी रेड, वेल प्लेड। जब से ब्रिजेश और गब्बर आए थे कमेंट्री में, तब से यू मुंबा की तरफ से मैच झुक गया है। सिद्धार्थ देसाई दो बड़े खिलाड़ियों को आउट करके आए हैं, पर यहां पे सुपर टैकल सिचुएशन में ये क्या किया रविंदर कुमावत। अमित नागर, गलती बहुत बड़ी, आखिरी रेड थी पहले हाफ की और आपने अपनी टीम में एक ही खिलाड़ी छोड़ दिया दूसरे हाफ के आते आते। पहले हाफ के पहले 10 मिनट पूरी तरह से बंगाल के नाम रहे, आखिरी 10 मिनट यू मुंबा अपनी तरफ ले गई। और ये सिचुएशन यहां पर ये है कि 6 पॉइंट की लीड है यू मुंबा के पास। हाफ टाइम में सब्स्टिट्यूट करना अलाउड है, और ये मनिंदर एक बार फिर से 5वीं बार आउट हुए हैं। कड़ी चुनौती वही, रोहित बालियान लगातार बढ़िया खेल रहे हैं, और यहां रण सिंह का शिकार किया, खाता खोला। डुओ डाई रेड है, सिद्ध देसाई को पॉइंट लेना होगा। डुओ डाई में सिद्धार्थ देसाई किक लगाए, मगर कोई उनको पकड़ न पाए, बढ़िया रेड लगाई। जी हाँ, और ये लीड जो है ये डिफेंस जानती है, एक जाएगा सपोर्ट आएगा, काम कर जाए, क्या बात। और ये जीत पता लग रहा चली, अब फॉर्म में आ गए हैं। उड़ गई है बंगाल की टीम पजल के उस वेग में, यहां डिफेंस के पॉइंट लगातार आ रहे हैं बंगाल के लिए, पहले हाफ में भी आए थे। डिफेंस की कमी बंगाल ने आज पूरी काफी हद तक की है, लेकिन रेडर्स ने निराश किया, अकेले मनिंदर भी कुछ नहीं कर पाए और ना उनको सपोर्ट मिला। 18 रेड डाली मनिंदर ने, 7 अनसक्सेसफुल, यानी 7 दफा बेंच पर उनको भेजा गया, और उनको आसानी से रिवाइव कराना ना हो पाया बंगाल वॉरियर्स। कबड्डी रिवाइवल का खेल है, ऐसा नहीं है कि जो टॉप रेडर्स हैं वो बेंच पर नहीं जाते, जाते हैं, मगर अच्छी टीम जिनको वापस मैदान में बुला लेती है। मुकाबला यहीं समाप्त, यू मुंबा को एक और बड़ी जीत, बंगाल वॉरियर्स इस मुकाबले से खाली हाथ घर लौटे।